हम हैं नया IBN 7 हौसला है। और देश भर में कुछ ऐसी घटनाएं जो कि सवाल खड़े करती हैं हमारे बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्कूलों में। हैदराबाद में राज्य बाल आयोग ने बच्चों की पिटाई की लगातार मिल रही शिकायतों पर एक निजी स्कूल को नोटिस भेजकर जवाब मांगा। अब हैरान करने वाली बात यह है कि जब आयोग की टीम स्कूल में जांच करने पहुंची तो उसे कुछ बच्चियों की तरफ से यौन शोषण की भी शिकायत मिली। मेरे को अब्यूज करते, मेरे को स्कूल जाने से डर लगता क्योंकि वहां मेरे को पूछते रहते और मैं गलती से स्टैम्प कर दिया पैर पर तो मेरे को पॉलिश करो बोले। 9 साल के इस छात्र के दिल में खौफ बैठा हुआ है। आरोप है कि कुछ महीने पहले बैग सही जगह नहीं रखने की छोटी सी बात पर स्कूल टीचर ने इसकी पिटाई की, उसके बाद जूता साफ करने के लिए कहा। इससे गुस्साए परिजनों ने इसकी शिकायत पहले स्कूल से की, फिर उसका ढीला रवैया देखकर बाल आयोग में गुहार लगाई। For the past 7-8 years, the school's attitude towards children is demeaning. Corporal punishment is increasing. Abuse, physical and verbal abuse is increasing day by day. And as a parent, I did not want to keep quiet on this. दरअसल स्कूल के बारे में बाल आयोग को लगातार शिकायतें मिल रही थी। आयोग की जांच टीम के सामने कई बच्चों ने शारीरिक दंड की बात कबूली। कुछ लड़कियों ने यौन शोषण का भी आरोप लगाया। All the girl children were complaining about one male teacher who makes sexual advances to the children. उधर स्कूल अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर रहा है। स्कूल का कहना है कि आज तक किसी अभिभावक ने स्कूल से शिकायत नहीं की। किस तरह से बर्ताव करनी है बच्चों से बहुत अच्छा मालूम है और गवर्नमेंट आज तक हमें किसी ऐसी चीज की रूल वायलेट नहीं किया हमने। भले ही स्कूल सभी आरोपों को नकार रहा हो मगर बाल आयोग की माने तो स्कूलों की जांच नहीं हो पाने की वजह से ऐसे मामले दब जाते हैं। वहीं अभिभावक भी डर की वजह से या फिर समय न होने की वजह से शिकायत करने से बचते हैं। ये जिम्मेदारी अभिभावकों की भी बनती है कि स्कूल में अगर कोई भी घटना सामने आए तो उसकी शिकायत जरूर करें। कैमरा पर्सन वेंकटेश के साथ साक्षी खन्ना, हैदराबाद IBN 7।